शहर के अनेक स्थानों विशेषकर कोका कुरुद जुनवानी में अवैध प्लॉटिंग को लेकर भूमाफिया काफी सक्रिय है। नगर निगम द्वारा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने कार्रवाई भी की जाती रही है। महापौर नीरज पाल ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा, वही भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की बातें उन्होंने कही। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके भू माफियाओं द्वारा कोहका कुरुद जुनवानी में अवैध प्लाटिंग कर प्लाट काटे जा रहे हैं। नगर निगम की अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की जा रही कार्रवाई के बावजूद भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि अवैध प्लाटिंग में सक्रिय किसी भी भू माफिया पर नगर निगम की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। स्थल से मुरुम खम्बे गिट्टी आदि को जब्त कर मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। इसे लेकर महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। देखिए, अवैध प्लाटिंग का जहाँ तक सवाल है, नगर निगम विलई में जब जब ऐसा कोई मामला आया है तो नगर निगम ने उस पर कार्रवाई भी की है। उस समय जो वहाँ पे अवैध प्लाटिंग करने वालों के जो भी साधन संसाधन रहते थे उसको भी जब्त किया है, और ये कार्रवाई तो हमेशा चालू रहेगी, क्योंकि जब तक के ज़मीनें हैं तब तक अवैध प्लाटिंग करने वाले प्लाटिंग करेंगे, और नगर निगम का जो काम है उस पर कार्रवाई करना, नगर निगम कार्रवाई करेगी। और नगर निगम के अधिकारियों या हमारे नॉलेज में जब भी जानकारी में आता है, हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करते हैं। महापौर जी, चूंकि आपने कार्रवाई की बात करी है, लेकिन देखा जाता है कि जो भू माफिया हैं उनको मात्र नोटिस देकर के खाना पूर्ति की जाती है, और स्पॉट से मुरुम वगैरह आदि जब्त किया जाता है, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी तक किसी भी भू माफिया पर नहीं की गई है। जो कार्रवाई जो हो सकती है, क्योंकि मौके पर कोई उपस्थित तो कभी भी मिलता नहीं है। जैसे ही वहाँ हम पहुँचते हैं, हमारे अधिकारी पहुँचते हैं, तो कोई मौके पर रहता नहीं। जो वहाँ पे उन लोगों का जो भी साधन संसाधन जो भी रहता है उसको जब्त कर लेते हैं। कोई नाम से तो आता नहीं कि कोई फलाने आदमी ने किया, जिस किसी का नाम आया तो उसके ऊपर कार्रवाई, जो साधन संसाधन उसको जब्त करके लाते हैं। उसका कोई आज तक के ना कोई क्लेम किया है, जिस दिन क्लेम करेगा फिर उसको इंडिविजुअल किसी पर कार्रवाई। निगम के अधिकारी खसरा नंबर और तमाम पटवारी हल्का नंबर बिल्कुल करते हैं, मैं आपका जो प्रयोजन है उसको प्रतिबंधित करते हैं। प्रतिबंधित नहीं, आपके अधिकारी और स्वयं आयुक्त पत्र लिखते हैं पुलिस अधीक्षक दुर्ग को और संबंधित थाने को, लेकिन आज तक किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, क्या नहीं, आपके कार्यकाल में एफआईआर दर्ज होगी? आपने जो बोला खसरा नंबर को बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाता है कि उससे संबंधित कोई भी जानकारी के जो भी आता है उस पर कोई लेन देन ना हो, उसको दोबारा से उस पर वो ना हो, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। और जो नाम जानकारी में आता है उसके खिलाफ एफआईआर भी होती है। नहीं, आज तक नहीं हो पहले पे, वही मेरा प्रश्न। नहीं नहीं, कैसे नहीं, आप जानकारी लीजिए, एफआईआर होती कई लोगों पे हुई। नाम बता दीजिए आप। नाम मैं आपको दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा आपको, जानकारी निकाल के दे दूंगा, एफआईआर होती। बहरहाल, अवैध प्लाटिंग के साथ नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण का कार्य भी जारी है। निगम प्रशासन द्वारा अवैध रूप से ठेला लगाकर व्यापार कर रहे लोगों के कब्जे हटाने पूरे दल बल के साथ कार्रवाई की जाती है। अधिकारी फोटो खिंचवाकर स्वयं अपनी पीठ थपथपाते हैं। वहीं बड़े अवैध निर्माणकर्ताओं के कब्जों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, केवल नोटिस थमाकर फाइलों को बंद कर दिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।